हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसा बिजनेस आइडिया के बारे में बताने वाला हूं जिसमें इन्वेस्टमेंट कम है और रिटर्न ज्यादा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिजनेस माइंडेड हैं, अगर आप बिजनेस करने में इंटरेस्ट लेते हैं, अगर आप बिजनेस करने में रुचि रखते हैं दोस्तों, तो आज का ये बिजनेस आइडिया आपके लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। और दोस्तों, ये जानने से पहले आप वीडियो को पूरा देखें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और इन्फॉर्मेशन को जरूर शेयर कर दें ताकि इस वीडियो के द्वारा और भी लोगों की मदद हो सके। तो दोस्तों, आज जो बिजनेस आइडिया के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो है दोस्तों, आज दोस्तों दिल्ली NCR में या और भी कहीं सिटी में, स्टेट में पॉल्यूशन की मात्रा बहुत बढ़ती जा रही है और गवर्नमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करके रखे। यानी अगर आप टू व्हीलर चलाते हैं या बाइक चलाते हैं या फिर आप कार चलाते हैं, कोई भी आप व्हीकल चलाते हैं, तो दोस्तों उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट। क्योंकि दोस्तों, अगर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट आपके पास नहीं होगा तो पकड़े जाने पर आपको भारी भरकम जुर्माना चुकाना पड़ेगा। तो इसीलिए सरकार ने ये पॉल्यूशन सर्टिफिकेट मंडेटरी किया हुआ है कि जितनी भी आप टू व्हीलर हैं या थ्री व्हीलर है या फोर व्हीलर है, उसके अगर आप चलाते हैं तो आपके पास पॉल्यूशन सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। और दोस्तों, ये इसलिए किया हुआ है ताकि उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करके रखा जा सके जो व्हीकल से होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको यही इसी बिजनेस के बारे में बताने वाला हूं कि प्रदूषण जांच केंद्र आप कैसे खोल सकते हैं, हाउ टू ओपन पॉल्यूशन सेंटर। क्योंकि दोस्तों, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट जैसा कि मैंने बोला कंपलसरी है, वो कराना ही कराना है, जरूर कराना है। तो ऐसे में ये एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है और इसमें इन्वेस्टमेंट भी कम है और रिटर्न भी काफी अच्छा है। तो ये आपके लिए एक अच्छा बिजनेस आइडिया हो सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या करना है, दोस्तों आपको करना है सबसे पहले, अगर आप इस बिजनेस को करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको RTO की इस वेबसाइट पे जाना होगा। इस वेबसाइट का लिंक स्क्रीन पे मैं शेयर कर रहा हूं। RTO की इस वेबसाइट पे आपको जाना है और इस वेबसाइट पे जाके आपको जो पॉल्यूशन केंद्र है उसको अप्लाई करने के लिए उस फॉर्म पे जाना है और पूरा फॉर्म वहां पे भरना है, जिसमें आपको अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, क्या आप नाम रखना चाहते हैं अपने पॉल्यूशन सेंटर का, किस जगह पे आप खोलना चाहते हैं, किस संस्था के अंडर आप उसको खोलना चाहते हैं, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर फीड करनी है RTO की वेबसाइट पे। और वहां से आपको परमिशन मिलेगी। जो प्रोसेस है वो ये है, आपको अपनी डिटेल उनकी वेबसाइट पे भरनी है, फिर कुछ टाइम के बाद वहां से आपको परमिशन मिलेगी, आपको लाइसेंस इशू होगा, जिस लाइसेंस को इशू करने के लिए आपको ₹5,000 की फीस देनी पड़ेगी। और ये फीस हर साल लगेगी क्योंकि लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए ₹5,000 हर साल आपको वहां पर देने होंगे। तो दोस्तों, ₹5,000 तो आपको वहां पर देने हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको अपना एक कैबिन तैयार करना है, जो कि हम अक्सर पेट्रोल पंप पे देखते हैं, येलो कलर का कैबिन आपको रेडी करना है। उसमें आपको चाहिए एक कंप्यूटर, एक प्रिंटर, एक वेबकैम और एक पॉल्यूशन जांच करने वाली मशीन, इस चीज की वहां पर आपको जरूरत पड़ेगी। और जब आप ये सारी चीजों को ले लेंगे तो दोस्तों, फिर आपको क्या करना है, आपको कुछ बातों पर आपको ध्यान रखना है। दोस्तों, हमने देखा है कि जितने भी पॉल्यूशन सेंटर होते हैं वो येलो कलर के ही क्यों होते हैं। दोस्तों, उनके येलो कलर होने का एक एक रीजन है। वो यूं ही येलो कलर नहीं होते कि बस मन किया उसको पीला पेंट कर दिया, नहीं, बल्कि उसके ऊपर कौन सा पेंट होगा और उस केबिन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितनी होगी, ये सब सरकार ने तय किया हुआ है। तो दोस्तों, अगर आप पॉल्यूशन केंद्र खोलना चाहते हैं तो आपके जो केबिन है उसका ऊपर जो पेंट होगा वो येलो होगा। ये दोस्तों किस लिए होता है, ताकि जल्दी से वो दिख जाए किसी को भी, इसलिए होता है। और जो उसकी जो चौड़ाई होगी, जो कैबिन की चौड़ाई होगी वो होगी 2 मीटर,
और उसकी लंबाई होगी 2.5 मीटर और ऊंचाई होगी 2 मीटर। तो ये उसका अनुपात है कि इस अनुपात में आप उस कैबिन को बनवा सकते हैं जो सरकार के द्वारा तय की गई है। और आपके कैबिन पर जो आपका जो लाइसेंस नंबर है जो गवर्नमेंट से आपको मिलेगा, आपका लाइसेंस नंबर उसके कैबिन के ऊपर लिखा होना चाहिए। इसी से आप पता चलेगा कि आप जो है गवर्नमेंट सर्टिफाइड हैं। इससे आप लोगों का भरोसा मिला सकते हैं, क्योंकि अगर आप गवर्नमेंट सर्टिफाइड होंगे तभी आपकी जो लाइसेंस जो माफ करें जो प्रदूषण जांच केंद्र जो सर्टिफिकेट है उसी को आप तभी इशू कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्योंकि आज के टाइम में अगर आपका पॉल्यूशन नहीं हुआ, अब आपके व्हीकल का या पॉल्यूशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो गया है, तो जो नया जो व्हीकल एक्ट है उसके तहत दोस्तों आपको भारी भरकम जुर्माना आपके ऊपर लग सकता है। तो दोस्तों, इसलिए आज के टाइम में ये एक अच्छा बिजनेस अपॉर्चुनिटी है, तो आप इसको शुरू कर सकते हैं कम इन्वेस्टमेंट में। और इस सब काम को करने में आपके लगभग 2 लाख रुपए के अंदर या 2 लाख रुपए में ये बिजनेस आपका सेटअप हो जाएगा, और आप महीने में कम से कम 40 से 50,000 पर मंथ आप इससे कमा सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है। और दोस्तों, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो इसको शेयर करें, लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।